एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। वजह तो सभी जानते ही हैं, उन्होंने अपने मौत की झूठी खबर फैलाई और ये हवाला दिया कि वो सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैला रही हैं। इसी बीच पूनम पांडे की इस नौटंकी के पीछे की कंपनी शवांग ने सार्वजनिक माफी जारी किया है। साथ ही ये दावा किया है कि इस स्टंट के बाद सर्वाइकल कैंसर के बारे में ज्यादा चर्चा होने लगी है। पूनम पांडे की झूठी मौत के पीछे की कंपनी शवांग के ऑफिशियल हैंडल ने लिंक्डइन पर माफीनामा शेयर किया है। इसमें लिखा है कि हाँ, हम हॉटरफ्लाई के सहयोग से सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने की पूनम पांडे की पहल में शामिल थे। शुरुआत करने के लिए हम दिल से माफी मांगना चाहेंगे, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जो किसी भी प्रकार के कैंसर की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं या उनके प्रियजन कर रहे हैं। हमारा एक्शन एकमात्र मिशन था कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। साल 2022 में भारत में 1,23,907 सर्वाइकल कैंसर के मामले और 77,348 मौतें दर्ज की गयी। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर भारत में मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को प्रभावित करने वाली दूसरी सबसे ज्यादा घातक बीमारी है। कंपनी ने यह भी शेयर किया कि पूनम पांडे की मां कैंसर से जूझ रही थी और इसलिए वो इस बीमारी के महत्व को अच्छे से जानती हैं। माफीनामे वाली पोस्ट में कहा गया है कि आप में से बहुत से लोग अनजान होंगे, लेकिन पूनम की अपनी मां ने कैंसर से बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। इतने करीब से इसे देखने और पर्सनल लाइफ में इस तरह की बीमारी से लड़ने की चुनौतियों से गुजरने के बाद पूनम रोकथाम के महत्व और जागरूकता की गंभीरता को समझती है, खासकर जब वैक्सीन मौजूद हो। पोस्ट में आगे लिखा गया कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोगों की जिज्ञासा में कोई बदलाव नहीं आया जब हमारी माननीय वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय बजट के दौरान इसका जिक्र किया था। पूनम के इस कदम के बाद अब सर्वाइकल कैंसर और इससे संबंधित शब्द गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला टॉपिक बन गया है। इस देश के इतिहास में यह पहली बार है कि सर्वाइकल कैंसर शब्द 1000 से ज्यादा हेडलाइन में है। इस पहल के लिए एजेंसी ने माफी भी मांगी है। लिखा है, फिर भी हम उन लोगों से गहराई से माफी मांगना चाहते हैं जो इस पहल के कारण आहत हुए होंगे। हम समझते हैं कि हमारे तरीकों ने अप्रोच के बारे में बहस छेड़ दी होगी। हालांकि हमें किसी भी परेशानी के लिए खेद है, लेकिन अगर इस कदम के बाद बहुत जरूरी जागरूकता फैलती है और मौतों को रोका जा सकता है तो वे इसका वास्तविक प्रभाव होगा। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये एक निशुल्क एक्टिविटी है और कमर्शियल रूप से किसी भी क्लाइंट से जुड़ी नहीं है। ये एक ऐसा कैंसर है जिससे 93% मामलों में USCDC के अनुसार टीके के माध्यम से रोका जा सकता है और हम जो कुछ भी करते हैं वह इसे रोकने के लिए होता है। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत की शुरुआत न केवल सर्वाइकल कैंसर बल्कि सभी रोकथाम वाली बीमारियों के बारे में जीवन रक्षक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रेरक के रूप में काम करेगी। बता दें कि 2 फरवरी शुक्रवार को पूनम पांडे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया गया। इसमें लिखा गया था कि सर्वाइकल कैंसर से पूनम की मौत हो गई है। इस खबर से इंडस्ट्री में सनसनी मच गई थी, हर कोई सदमे में था और दुख जता रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी मौत पर संदेह भी व्यक्त किया था, क्योंकि उनकी डेड बॉडी से लेकर हॉस्पिटल और फैमिली की तरफ से कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। अगले ही दिन पूनम ने वीडियो शेयर करके बताया कि वह जिंदा हैं और सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।